तो रुख करते हैं कोटा की ओर, जहां पर निजी स्कूल ने मनमानी फीस को लेकर अभिभावकों पर दबाव बनाते हुए नजर आए हैं। अभिभावक और विद्यार्थियों ने की सूचना पोर्टल के 181 पर शिकायत। कोटा जिले के खतौली कस्बे में प्राइवेट संचालित अंबिका बाल विद्या निकेतन स्कूल यादव कॉलोनी में देखा गया है कि कोरोना गाइडलाइन को सही तरीके से पालना नहीं की जा रही है। बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग व कुछ विद्यार्थियों शिक्षकों के मुंह पर मास्क नहीं। स्कूल की कंडीशन ऐसी कि जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कक्षा 10वीं तक स्कूल में केवल कुछ ही शिक्षक नजर आए। स्कूल निदेशक लोकेश नागर से बातचीत की तो जानकारी चाहिए तो बता दें कि रिपोर्टर को थाने में फोन करने की धमकी तक दी गई। कुछ ही देर बाद न्यूज रिपोर्टर से माफी मांगता हुआ नजर आया स्कूल निदेशक लोकेश नागर। जैसे किसी ने फीस जमा नहीं की आपको, तो आप मतलब उस बच्चे को उस बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए उसको स्कूल से भगा? भविष्य कौन खराब कर रहा है? नहीं नहीं, उस बच्चे को बाहर निकाल दोगे आप? नहीं, आप फीस के लिए नहीं बोलेंगे क्या? ये बताओ, फीस के लिए बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नहीं, फीस आपने कहा कि बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं, बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। मैं सुन रहा हूँ, अब बोलो आप भाई। बच्चे को ये भविष्य किसका बर्बाद किया? नहीं, बच्चों को बाहर निकालने की कह रहे हैं ना आप, क्या हमारी फीस जमा नहीं होगी तो बच्चों को बाहर निकाल देंगे। एक तो आप, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजयराज सिंह। विजयराज सिंह, और टीचर कौन है? एक एक है ना, इनको बुलाओ। हाँ, प्रिंसिपल को तो बुला रहा हूँ मैडम। वो अपने क्या नाम से जो बड़े स्कूल में प्रिंसिपल साहब है जिनको, तो उन्होंने कहा कि आपके से कि बच्चों को बाहर निकाल दो? ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं यार, हमने बोला ही नहीं आपसे। तो फिर वो उनको बुलाने से क्या होगा? ये तो दादागिरी हो गई यार। नहीं नहीं नहीं, दादागिरी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पूछने में कोई दादागिरी थोड़ी है। पूछना तो हमारा, मेरी बात सुनो, यहाँ बैठो पहले। नहीं नहीं, बैठा हूँ। एक तो ये बताइए आप, आपके कितने टीचर हैं आपके पास? नहीं नहीं, आपके पास कितने टीचर हैं, नाम तो बता दो। टीचर तो बताओ आप, आपको कक्षा पूरी जानकारी, कक्षा दसवीं तक? नहीं, आप कक्षा दसवीं तक स्कूल चला रहे हो तो टीचर तो बता दो, टीचर के नाम बता दो। नहीं नहीं नहीं, बात करे आप थाना फोन करो, कर दो फोन। परीक्षा फीस मांगी, इसके बाद में मैंने 2000 रुपये जमा कर दिया और मतलब उन्होंने कहा कि मतलब नहीं। आपकी बच्ची किस स्कूल में पढ़ती है? अंबिका बाल विद्या में। तो आपने मतलब आपका क्या आरोप है, क्या क्या बता रहे हो आपकी? बस हमसे वो परीक्षा फीस मांगी, हमने जमा कर दी, जिसके बाद में उन्होंने रसीद नहीं दी। कितने दिए आपने पैसे? 2000 रुपये दिए, जिनकी 1000 की रसीद दी और 1000 रुपये जेब में रख लिए। तो वो ये भी चर्चा, ये इसके लिए आपने कोई किसी के पास शिकायत की? शिकायत भी की 181। तो वहाँ से क्या जवाब आया? वहाँ से कुछ भी जवाब नहीं आया, अब तो कार्रवाई होगी। जब ये कार्रवाई की बोली बस कार्रवाई, तो हमने उन आपकी बात वहाँ स्कूल टीचर से भी की है अभी, तो उन्होंने बताया कि आपको 1000 की रसीद दे दी और आपने जो पैसे एक मैडम को दिए, मैडम को दिए आपने, तो वो पैसे भी क्या नाम से उस मैडम के पास पड़े हुए हैं जिसकी रसीद वो अब देंगे आपको। ये मालूम भी मांगते हैं कि परीक्षा फीस मांग रहे हैं, मतलब यही मालूम भी चल रहा है। और यूँ बच्चों को मतलब किसी पढ़ाई के संदर्भ में कोई परेशानी है क्या स्कूल में? कोई वापस बार बार भेजते, घर पे भेज देते वापस। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। हरिओम सुमन। पिताजी का नाम बताइए? किशन गोपाल जी। और आपकी लड़की का नाम, बच्ची है कि स्कूल? नितिका। नितिका, ठीक है। के हर मुद्दे की बात, अपने हित की रक्षा की बात, जन जन तक पहुंचे आपकी आवाज। लेटेस्ट और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें आवाज न्यूज 24x7 के साथ। ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। याद रखें, बेल आइकन जरूर दबाएं।